हेलो एंड वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। आज हम जलाराम खमण हाउस में गए थे। वहाँ पे खमण, लस्सी, ये सब चीज़ें मिलती है। वहाँ पे जो कुछ हमने ऑर्डर किया था उसमें से बेस्ट चीज़ थी ये चीज़ रोल। आप देखिए ये चीज़ रोल से वो चीज़ और कॉर्न से बनाए हो गए थे और उसके साथ चटनी सर्व की गई थी और ये रेड चटनी है वो चीज़ रोल के साथ खाई जाती है। बाद में खमन की बात करें तो खमन भी बहुत अच्छे थे। जो नायलॉन खमन होते हैं बहुत ही सॉफ्ट और पानी वाले थे और बहुत ही बढ़िया थे टेस्ट में, और उसके साथ ग्रीन चटनी परोसी जाती है। आपको कैसा खाना लगा यहाँ का जलाराम का? देखिए खाना ठीक है और अच्छा भी है, मुझे खमण बहुत अच्छा लगा। और आपको क्या क्या अच्छा लगा? मुझे सबसे पहले तो जगह अच्छी लगी, बहुत ही क्लीन और स्लिट जगह थी। और फिर खमण खत्म किया से पे चल बसा, फिर मैंने समोसा खाया, वो सब ठीक था, लेकिन सबसे अच्छा तो छास था। बाद में चाय पी के हम वापस चले। हेलो एंड वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। आज हमारा व्लॉग है वो एक फूड व्लॉग है। हम एक जगह खाने के लिए गए थे जिसका नाम गीता लॉज है, जो वडोदरा में है और जूनागढ़ की उसकी मेन ब्रांच है। वहाँ पे हम आज खाने के लिए गए, हमें खाना भी अच्छा लगा इसलिए उसका भी हमने व्लॉग बनाया। उसकी प्राइस क्या है, क्या क्या खाना है, टेस्ट कैसा रहा, ये सब हम इस व्लॉग में देखेंगे। यहाँ पे देखिए इसी तरह की वहाँ पे थाली दी जाती है और यहाँ पे तीन सब्जी, फ्राइज, पापड़, ये सब कुछ दिया जाता है। आप देखिए तीन सब्जी, दाल, थ्री पिकल्स है, छाछ है और यहाँ पे पापड़, फ्राइमस और रोटी, कचौरी और भाखरी दी जाती है। और शाम को अगर आपको बाजरी का रोटला चाहिए तो वो भी मिलता है। खाना बहुत अच्छा था और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। अगर आपको कोई काठियावाड़ी डिश या काठियावाड़ी खाना पसंद हो तो आप जब भी वडोदरा आए या आप वडोदरा में रहते हो तो इसका टेस्ट कर सकते हो। और इसकी प्राइस भी हम दिखा देते हैं। यहाँ पे बाहर बोर्ड ही रखा हुआ है, वहाँ पे सब प्राइस दी गई है कि थाली की कितनी प्राइस। ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। कल हम अमृतसर कुलचा गए थे, वहाँ पे हमने जो जो खाया उसकी प्राइस क्या है ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फोर्थ डे, आप देखिए यहाँ पे सामने एक अमृतसरी कुलचा का बोर्ड है और इसकी सीटिंग अरेंजमेंट है। अब हम देखेंगे कि वहाँ पे कुलचे कैसे बनाए जाते हैं। देखिए पहले यहाँ पे जो छोले हैं वो पहले से बनाए हुए होते हैं और वो आपको सर्व किए जाते हैं और कुलचे वहाँ पे गर्मा गर्म बनते हैं। यहाँ पे जैसे कुलचे यहाँ पे बना रहे हैं, उसमें जो बाजू में जो उसका मसाला है उससे उसकी फीलिंग होती है और बाद में उसे गर्म किया जाता है। यहाँ पे देखिए आप वीडियो। देखिए इस तरह से कुलचे को गर्म किए जाते हैं और एक साथ कितने कुलचे यहाँ पे रखे गए हैं। यहाँ की सर्विस भी बहुत अच्छी थी और आपको सामने से खिला रहे थे और बहुत ही अच्छी सर्विस थी। यहाँ पे जो छोले होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, आपको सिर्फ कुलचे लेने होते हैं और कुलचे भी आपको दो तीन टाइप के से ज़्यादा ही मिलेंगे। हमने एक सादे कुलचे, गोभी वाले कुलचे, आलू कुलचे, पनीर कुलचे
और चीज़ कुलचे ऑर्डर किया थे। यहाँ पे देखिए ये सब कुलचे आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको अमूल बटर के साथ उसे सर्व किया जाता है। यहाँ पे हमने सब ऑर्डर किए थे और अमूल बटर के साथ वो जो सर्व किया वो अपने आप अमूल बटर हमें डालना होता है उसमें। यहाँ पे आप देखिए और ये लस्सी का ग्लास, एक नंबर यहाँ पे लस्सी मिलती है, 60 रुपये का ये पूरा ग्लास आता है जिससे 2 लोग पी सकते हैं। There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you.